हाँ तो नमस्कार जी, सवनकू राम राम श्याम श्याम। भाई देखो जी, वीडियो बहुत तंगड़ी है। मैं जाऊंगा कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन से मिले वे। पर भाई देखो, तुम्हारी जी बात बहुत गलत है कि तुम हमारी वीडियो शेयर ना करती। हमारी वीडियो पे बहुत ज्यादा कम व्यू जाता है, कोई देखा तो ना है। हमारे बनावे को का फायदा, तुम्हें बताओ। भाई देखो, हाथ जोड़ के वीडियो शेयर कर दियो, हमारे चैनल है सब्सक्राइब कर लियो। देखो वीडियो बहुत जोर जोर की आते हमारे चैनल पे, हमारे कृपया करके जरूर सब्सक्राइब कर लियो, चैनल है। चलो चलते हैं वीडियो में। चुरे वल्लूची, कैसे तनो खुशे लाला आज। बात है कछु ऐसी है कि मेरा नंबर आया वो केबीसी में, जहाँ हमारे में जाऊंगा वहां पे तुम सब टीवी पे मो देखियो। माते बन के आऊंगा मैं, नंबर वन का करोड़पति। अच्छा अच्छा ठीक है भाई लाला, पहुंचो पहुंचो जल्दी पहुंचो। चल तो चलूं फिर। तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति से करोड़पति। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ तो सुनिए, हम अपना कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं। हमारा नाम है अमिताभ बच्चन, हम हैं इस कौन बनेगा करोड़पति के मालिक, और ये आप हमारे साइड में देख रहे हैं, ये हैं हमारे लाउड स्पीकर जो कि गाना सुनाने का काम करते हैं। हाँ तो चमत्कार को नमस्कार। हाँ तो सर, मेरे बारे में सुनिए, मेरा नाम है भल्लूची। चलो बिना किसी उल्लूपने तथा किसी कॉमेडी के स्टार्ट करते हैं अपना शो जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। तो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देते हैं, जिसमें हम आपसे पहला एक कोई प्रश्न पूछेंगे, जिसके बाद आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सही उत्तर चुनना है और हमें बताना है। सभी उत्तर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? पूछ लो कछु, पूछ लो सर, हम सब बता देंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। हम आपको एक गाना सुनाएंगे जिसमें आपको बताना है ये किस अभिनेत्री तथा अभिनेता की आवाज है। जी सर। गाना शुरू किया जाए। पायलिया बजनी लादो पिया, पायलिया बजनी लादो पिया। धन्यवाद लाउड स्पीकर जी। हाँ तो भल्लूची, बताइए कि ये किस अभिनेत्री या अभिनेता की आवाज है। ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, नंबर एक श्रीदेवी, या नंबर दो तुम्हारी कोई पड़ोसन, या नंबर तीन विराट कोहली, या नंबर चार अनुष्का शर्मा। सोचिए और बताइए आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ए यार सुनो तो, चलो सोचते हैं। अरे अमिताभ बच्चन सर, हमारी पड़ोसन है, लॉक कर दो। तो ठीक है भल्लूची, हमने तुम्हारे कहने के अनुसार ऑप्शन नंबर दो तुम्हारी पड़ोसन को लॉक कर दिया है। कंप्यूटर जी जल्दी से लॉक कर दो। शानदार 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 शानदार, बहुत सुंदर, आपने पहला प्रश्न जीत लिया है जिसका इनाम था 250 ग्राम नए आलू और एक भैंस की सानी लड़ावनी भर के। आपने जीत लिया है, धन्यवाद। आ गया स्वाद। चलो मास्टर दूसरा क्वेश्चन ले लो। दूसरा प्रश्न पूछने से पहले हम आपको इनाम बताना चाहेंगे। यदि आप दूसरे प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं एक कच्ची पेंसिल जिसमें एक पोला होगा, और एक कटोरा खिचड़ी, और एक प्लास्टिक की कुर्सी जिस पर कोई पेंट नहीं हुआ है। बस तो गुरुदेव, पूछ लियो सवाल, खतरनाक सो हो चाहे कैसे होए। तो तैयार हो जाइए सवाल सुनने के लिए। तो लाउड स्पीकर जी सुनाइए सवाल को। छज्जे ऊपर बोयोरी बाजरो, खिल गया फूल चमेली को। तो भल्लूची जी आपने सुन लिया है गाना, तो बताइए
छज्जे पर बाजरा बोने पर फूल कैसे खिल गया? हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ? तो सुनिए ऑप्शन। नंबर 1 खाद ज्यादा डाला, नंबर 2 DAP कम थी, नंबर 3 छज्जे पर बारिश आ गई, नंबर 4 तुम गमार हो। ससुरी के अमिताभ बच्चन ने तो धोती खोल दी मेरी। अमिताभ बच्चन जी, मेरे हिसाब से 4 नंबर है, सही कर दो। मैं गमार हूँ, उल्लू हूँ, पागल हूँ, मैं घर के सब नहीं कहते हैं, मैं अपने घर के नहीं खाते, 4 नंबर लॉक करवाना चाह रहा हूँ। कबो कबो तो घर वाले यूँ कह देते हैं कि मैं खत्म होता ना हूँ। तो ठीक है भल्लूची जी, आपके खत्म होना होने के कारण हम कंप्यूटर से कहना चाहते हैं। हाँ तो कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर 4 ये पागल हैं, इसे लॉक कर दो। भल्लूची जी बहुत शानदार, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपने जीत लिया है 1 कटोरा खिचड़ी और 1 पोला वाली पेंसिल और 1 बिना रंग की हुई प्लास्टिक की कुर्सी। तालियां। हाँ तो भल्लूची जी, यदि आप ऐसे ही खेलते रहेंगे तो आप हमारे 5वें नंबर के सवाल को जीतकर रिकॉर्ड बना देंगे। चलो चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो तैयार हो जाइए भल्लूची जी, सवाल नंबर 3 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो भल्लूची जी सुनिए सवाल को, लाउड स्पीकर जी सुनाइए। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो भल्लूची जी, लाउड स्पीकर के द्वारा आपने सुन लिया है, तो बताइए इसमें यार क्यों हंस रहा है? ऑप्शन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑप्शंस हैं, नंबर 1 यार के बगल में किसी ने गुदगुदी की है, नंबर 2 यार उल्लू है, नंबर 3 यार का कच्छा फट गया है, नंबर 4 यार की नई चप्पल आई है। तो आप इन 4 ऑप्शंस में से चुनकर बताइए कि यार क्यों हंस रहा है। भाई अमिताभ बच्चन जी, ऑप्शन नंबर 1 यार की बगल में कोई गुदगुदी कर रहा है, जाए कर दो तुम। क्या आप पूरी तरह से पक्का हैं भल्लूची जी? अरे अमिताभ बच्चन जी, पक्का हो चाहे कच्चा, 1 कटोरा भर के खिचड़ी तो मिल ही गई। चलो तुम कर दो, 1 नंबर है, कर दो। तो ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर 1 यार के बगल में किसी ने गुदगुदी की है, इसे लॉक कर दिया जाए। बहुत शानदार भल्लूची जी, बहुत शानदार, आपने जीत लिया है अपना ये इनाम जिसमें है। ओए बल्ले 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 बल्ले। भल्लूची जी आप इनाम सुनिए पहले, आपका इनाम है 1 मरखनी भैंस की सांकर को कुंदा और 250 ग्राम मिठाई को डिब्बा। बहुत शानदार खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा शानदार खेल रहे हैं भल्लूची जी। तो चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलो चलो अमिताभ बच्चन जी, चलो यारो। तो भल्लूची जी तैयार हो जाइए सवाल नंबर 4 को सुनने के लिए। जी सुनाइए सवाल को। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बताइए भल्लूची जी, धर्मेंद्र बसंती को नाचने के लिए क्यों मना कर रहा है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन नंबर 1 कुत्ता कटकने हैं, ऑप्शन नंबर 2 बसंती के फोड़ा फुंसी हो गए हैं, ऑप्शन नंबर 3 बसंती बहुत बुरा नाचती है, ऑप्शन नंबर 4 बसंती लंगड़ी है। अमिताभ बच्चन जी, ऑप्शन नंबर 2 बसंती के फोड़ा फुंसी है, जाए लॉक कर दो। तो भल्लूची जी, हम आपके अनुसार कंप्यूटर जी से नंबर 2 बसंती के फोड़ा फुंसी हो गए हैं, इसे लॉक करने के लिए कहते हैं। तो कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर 2 बसंती के फोड़ा फुंसी हो गए हैं, इसे लॉक कर दिया जाए। ओ बहुत सुंदर भल्लूची जी, बहुत सुंदर, आप तो बहुत ज्यादा मालामाल होने वाले हैं। ओए आहूं। तो भल्लूची जी आपका इनाम है 1 बिना सिमा हुआ पेंट का कपड़ा, 51 रुपए और 2 लाल रंग की पेचक जिससे आप इनको सिलवा सकते हैं। ओए ओए। तो भल्लूची जी आप बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हैं कि आप हमारे सवाल नंबर 5 तथा आखिरी इसी सवाल तक पहुंच चुके हैं। सवाल को बताने से पहले हम आपको इनाम बता देते हैं। बिल्कुल, इस सवाल का सही उत्तर देने पर आपको 4-4 इनाम दिए जाएंगे। 1 नंबर कारी भैंस की सांकर,
नंबर 2 दो संतरा वाली टॉफी, नंबर 3 एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, नंबर 4 एक कपड़ा धोना भरोस 3 महीने घिसा हुआ। हाँ? क्या आप तैयार हैं सवाल नंबर 5 सुनने के लिए? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो तैयार हो जाइए सवाल नंबर 5 सुनने के लिए। सवाल है कि ज्यादा जनानी भागवत में क्यों जाती हैं? ऑप्शंस हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर 1 एक पस चिरवा मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 4 बतासे के लिए। ऑप्शन नंबर 3 ढोंग रचाने। और ऑप्शन नंबर 4 एक दूसरे की बुराई करने। बल्लूची जी आराम से सोच लीजिए, आपके पास बहुत समय है। भाई कंप्यूटर जी तगड़ा पूछ लो है, जनानी तो सब कामन का जाते हैं। एक पस चिरवो मिल जाए, बतासे मिल जाए, ढोंग रचाते हुए आ जाएंगे और एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो तो चारों ही लग रहे हैं। भाई बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हूँ मैं, तो मन एक लाइफ लाइन होना दी मुझे। अरे यार कहाँ करूँ। अमिताभ बच्चन जी ऑप्शन नंबर 4 एक दूसरे की बुराई करवे, जाए लॉक कर दो। क्या आप तैयार हैं बल्लूची जी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके मिलने वाले इनाम भी बहुत ज्यादा हैं। कद्दे हो ही सो देखी जाई। तो ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर 4 एक दूसरे की बुराई करने, इसे लॉक कर दो। ओ भाई आप हो हैरान और ना आप हो परेशान, आपने जीत लिया है एक कारी भैंस की सागर, दो संतरा वाली टॉफी और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक कपड़ा धोना ब्रश 3 महीने पुराना। बहुत शानदार बल्लूची जी। लेकिन बल्लूची जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने जितने भी सवालों के उत्तर दिए हैं और जितने भी इनाम जीते हैं इनमें से आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। का कह रहे हो डरपा मत यार मेरी, क्यों अम्मा मारे हमारी बहुत। खाका ना मिल रही, तुम अपेगर हम अपेगर, बाय बाय टाटा उड़ो यहाँ से।